क्वेश्चन नंबर 40 है, एक्सप्लेन वाई ए क्रॉस बी क्रॉस इनटू ब्रैकेट सी क्रॉस डी एंड ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी ब्रैकेट क्लोज क्रॉस डी आर नॉट द सेम। तो हमने एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों सेम क्यों नहीं है। सबसे पहले देखें, जब हम ए क्रॉस बी लेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या आएंगे, फॉर एग्जाम्पल ए और बी आएंगे, ठीक है, तो टू लेंथ का ऑर्डर पेयर आएगा, तो इसके जितने भी एलिमेंट बन जाएंगे। इस तरह अगर हम सी क्रॉस डी लेंगे तो इसमें भी एक सी और एक डी टू लेंथ का ऑर्डर पेयर आ जाएगा। जब हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इस तरह आ जाएगा ए बी कॉमा सी डी और ये इनके दरमियान अपोजिट ब्रैकेट बन जाएगी, यानी ये हमारे पास टोटल एक एलिमेंट आएगा और इसके अंदर कितनी वैल्यू जाएंगी, दो वैल्यू जाएंगी, ठीक है, तो जितनी भी सो आए। तो जब हम ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी इस फॉर्म में लेते हैं तो हमारे पास हर एलिमेंट के अंदर क्या आएंगे, टू वैल्यूज आएंगे, ठीक है, तो इसी तरह। लेकिन अब अगर हम इसकी बात करें तो पहले जब हम बी क्रॉस सी ले लेंगे तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, बी सी सो ऑन। तो जब हम ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी ले रहे होंगे ना, तो हमारे पास जो हर एलिमेंट के अंदर वैल्यू आएगी, पहली आएगी ए, फिर इस तरह ये ब्रैकेट बी सी इकट्ठा आ जाएगा और फिर डी। तो यहां पर देखें एक एलिमेंट के अंदर कितनी वैल्यूज हैं, वन टू थ्री ट्रिपलेस्ट, लेकिन यहां पर क्या है, वन टू डबलेस्ट। तो हम इसकी रीजन लिख देंगे ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी कंटेन्स डबलेट्स बट ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी कंटेन्स ट्रिपलेट्स। ठीक है स्टूडेंट्स।